शरीर का धर्म है बदलते रहना, वात पित्त कफ के चेंजेस से शरीर में चेंजेस होते रहते। शरीर के परिवर्तन हमको तकलीफ ना दें ऐसे समझो। अगर शरीर में कफ बढ़ जाएगा, वो कफ सिर में जमा हुआ तो सिर दर्द देगा, साइनसिस में जमा हो गया तो जुकाम और इन्फेक्शंस देगा, आपके फेफड़ों में जमा हो गया तो श्वास की दिक्कतें देगा, आपके पेट में जमा हो गया तो आपका पाचन डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में कफ आ गया तो ये जकड़न ले आएगा, जकड़न आ जाएगी। यही कफ आपके खून में जमा हो गया तो खून को वो भारी कर देता है, कोलेस्ट्रॉल की जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा होने लग जाती है, तो आर्टरीज में तकलीफ आ जाएगी, हार्ट की तकलीफ आ जाती है। यही कफ दिमाग में जब जमा होने लग जाए, फ्लेम बन जाए, और जब शरीर में एसिड ज़्यादा हो, मैंने पित्त भी ज़्यादा हो जाए, कफ भी ज़्यादा हो जाए, और जो बहुत चिंता करता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा खाता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, मतलब कभी यहाँ वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, तो ऐसे लोगों की वायु खराब हो जाती। ये जो सांस अंदर बाहर ले रहे हैं हम, इसकी बात नहीं कर रहे। वायु मतलब मूवमेंट, शरीर में नाड़ी तो चल रही है, खून तो चल रहा है, स्राव जितने हैं चल रहे हैं, तो जितनी मूवमेंट्स शरीर में हो रही हैं वो सब मूवमेंट्स जब ये बिगड़ने लग जाती हैं और एसिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये ही मेनिंजाइटिस या ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन जाता है। और ख़ास करके सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो सर्दी में सबसे ज़्यादा आपको लोगों के मरने की खबरें सुनाई पड़ती। जो सर्दियां हैं ना, ये बुज़ुर्गों पे बड़ी भारी पड़ती, क्योंकि पूरा जीवन अगर ठीक से जिए नहीं हैं और वायु बिगड़ी है तो यही टाइम है जब फिर हार्ट का स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक, पैरालिसिस का स्ट्रोक, अधरंग, ये इस इन महीनों में जो ठंड के जो टाइम होता है इसमें आपको ज़्यादा सुनाई देता है। तो बुनियादी जो शरीर की संरचना, शरीर की कार्यप्रणाली, शरीर की फंक्शनिंग का ज्ञान क्या सिर्फ एक डॉक्टर को ही होना चाहिए या हम सबको भी होना ही चाहिए? अब देखो, आपके स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, वो भी सिर्फ अकबर, बाबर, शाहजहां हैं, मुगलों की, अकबर का दीने इलाही ये पढ़ा देते हैं। आपके इतिहास में भी आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए। चालुका वंशजों ने 1000 साल इस देश पर राज किया था, मौर्यन 500, गुप्ता 400, अशोका, सम्राट अशोक। अच्छा एक बात बताओ, दूर क्या जाना, हजार साल पहले क्या हुआ अभी उसकी बात मैं नहीं करती हूँ। आप में कितने सिंह इस बात को जानते हैं के करोड़पतिया मिसल के हेड थे भाई बघेल सिंह, उन्होंने दिल्ली को फतेह किया था, करीब करीब 1.5 साल से ऊपर सिंहों का राज रहा है दिल्ली पे। पढ़ा कभी आप, सुना कभी?
महाराजा रणजीत सिंह की राजपाट ईरान से शुरू होके अलाहाबाद तक थी। कहां से? ईरान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चलते चलो पूरा भारत और प्रयागराज तलक। कितना बड़ा राज था खालसा राज। क्या इतिहास में आपको ये पढ़ाया? बंदा सिंह बहादुर का इतिहास पढ़ाया? तो स्कूलों का जो हाल है ना, बड़ा बुरा है ना। हमारे वीरों के बारे में हमको पढ़ाते हैं ना, हमारे संतों के बारे में पढ़ाते। शिवाजी महाराज एक सन्यासी हो जाना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु समर्थ रामदास ने कहा कि नहीं, तुम्हें देश की सेवा करनी है तो तुम कपड़े राजा के पहनोगे पर तुम अंदर से सन्यासी रहोगे। देश को जरूरत है, इस समय तलवार उठाने की जरूरत है, तो तुम युद्ध करोगे। और मुगलों से टक्कर ली उन्होंने। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, हमारी किताबों में इनके, कम से कम मेरे स्कूल की किताब में इन सब का जिक्र नहीं था। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ी हूं मैं, वहां पर तो नहीं था। मैंने सीबीएसई वालों से भी पूछा, वो कहते नहीं हमारे भी नहीं था। सवाल उठता है, इस देश में स्कूल की किताबें और कॉलेज की किताबों को किसने लिखा, किसने चालू किया, जिसने हमको सिर्फ शर्मसार होना सिखाया है? संत ज्ञानेश्वर महाराज मुक्ति सोपान, इन ज्ञानियों के बारे में कुछ नहीं बताया, आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ नहीं बताया, दस गुरु साहिबान के बारे में कुछ नहीं बताया, सोलह भट्टों के बारे में कुछ नहीं बताया, बाबा शेख फरीद के बारे में नहीं बताया, मर्दाना जी के जीवन में के बारे में कुछ नहीं बताया, बालाजी के जीवन का कुछ नहीं बताया। क्या ये हमारा इतिहास नहीं है? जो देश अपने शूरवीरों को भूल जाता है, जो देश अपने संतों को भूल जाता है, वो देश कभी भी एक अच्छा देश नहीं रह सकता। तो आप सब जो अब दादी नानी दादा नाना बन गए हो, आप जो सब अब माँ पिताजी बन गए हो, आप वो सब जिनकी इस साल शादी होने वाली है और अगले साल तक तुम भी माँ बाप बनने वाले हो, मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ कि ये सब बातें तुम खुद पढ़ो और फिर अपने बच्चों को साथ बैठा के उनको बताओ। तुम्हें मालूम है ना, इस कुछ ही महीने पहले बच्चों का एक प्रोग्राम मैंने कराया था, जिसमें छोटे बच्चे आए थे, यहाँ से भी बहुत से बच्चे आए थे। उसका वीडियो हमारे चैनल पे भी है, यूट्यूब में है, आप चाहें तो बड़े लोग भी देखो उसको, जिसमें ध्रुव, प्रहलाद, संत ज्ञानेश्वर, श्री कृष्ण, मीराबाई, इनका बचपन, इनकी सोच, इनका जीवन कैसा था, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को मैंने सिखाया। और उस दिन थोड़ा हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले प्रिपेयर नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं था कि हम अचानक से बच्चों से बात करने लग जाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों को कहा तुम्हें जो पूछना मुझसे पूछो। अच्छा, आप सोचो बच्चों ने क्या पूछा होगा मुझसे। याद रहे वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। जब किसी बड़े का मेरे पास मैसेज आता है ना, आपसे बात करनी है, तो मुझे पता होता है कि इसने क्या बात करनी है।
कोई स्यापा है, सास का होगा, पैसे का होगा, नौकरी का होगा, घर का होगा, मकान का होगा, बीमारी का होगा, कोई स्यापा जरूर होगा। तुम्हें मालूम है कि मैं जल्दी किए इसीलिए किसी को अलग से मिलती ही नहीं, ऐसे मिल लेती हूँ सबको। आए ना आपको मिलने के लिए आश्रम से चल के। मैं आप लोग आते हो बस में, कार में सफर करके, फिर कई लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो मेरे मन में आया कि बहुत टाइम हो गया है, तो एक बार अब हम जाते हैं, अब मिल के आते हैं। तो इतना शॉर्ट नोटिस था, वो शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि आई नो शादियों का सीजन है, ऐसे में कोई भी जगह ढूंढनी, फिर भी तुमको ये जगह मिल गई, हैरानी है मुझे। नहीं तो सब जगह शादी बैंड, लोगों के बैंड बज रहे होते हैं ना। यूं मिलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं, मुझे लगता कोई कहे ना अलग से मिलना है तो वो खतरे की घंटी, भागो। वो कोरोना वायरस हुआ ना चीन में, सब भाग रहे हैं वहां से। ऐसे ही जिसके मन में मोह माया लोभ है, मेरे लिए वो कोरोना वायरस ही होता है। तो हमें लगता दूर रहो इस बंदे से, और क्या। बच्चों से जब मैंने कहा कि तुम पूछो, मेरे पास आ आ के बच्चे पूछ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा, हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते। दूसरे ने पूछा, अगर भगवान सब जगह हैं तो मैं तो छोटी सी हूं, मेरे अंदर इतने बड़े भगवान कैसे आ गए। अब मैं उन्हें समझा रही हूं। एक बच्चे ने पूछा, आप तो कुछ और कहते हो परमात्मा के बारे में, मंदिर वाले बोलते हैं भगवान सो रहे हैं, अभी भगवान भोजन कर रहे हैं, अभी भगवान शयन कर रहे हैं, तो ये क्या है। बच्चों के सवाल देख रहे हो कैसे थे। एक ने पूछा, मुक्ति क्या होती है। 6 साल का बच्चा मेरे से पूछता है मुक्ति। मैंने उससे पूछा, ये मुक्ति शब्द तुमने कहाँ सुना। कह रहा, आपकी एल्बम है सीडी, उस पर लिखा है मोक्ष। तो मुझे पूछना ये मोक्ष क्या होता। तुमने सबने वो सुना ना टेप, पुराना है बहुत। तुमने तो कभी नहीं पूछा मोक्ष क्या होता है। वो बच्चा मुझसे पूछ रहा है मोक्ष क्या होता है। सिर्फ एक बच्चे ने पूछा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं क्या करूं। बाकी सब बच्चे, एक आके मुझे पूछता है ये प्रहलाद की स्टोरी सुनाई ना सबको, तो मुझे पूछते प्रहलाद की जो बुआ है जिसने उसको तंग किया था उसका क्या नाम था। एक आया बोले ध्रुव के पिताजी का नाम क्या था, क्योंकि हमने इतना बोला ध्रुव के पिता राजा थे और सारी, तो बोले उसका नाम क्या था। फिर एक ने पूछा प्रहलाद कहाँ रहते थे। मैंने कितनी बारीकी में वो जा रहे हैं। आज भी तुम अगर कोई रागी सिंह ये शब्द गा रहे हो, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, सब सिर नीचे करके सुन के कड़ा प्रसाद खा के वापिस आ जाएंगे। कोई नहीं जाके पूछेगा रागी से कि प्रहलाद जी कहाँ हुए थे। पर ये बच्चा मुझे पूछता है प्रहलाद जी कहाँ पैदा हुए थे। उन बच्चों से बात करके इतनी खुशी हो रही थी, पर उतना ही अफसोस हो रहा था इन बच्चों के माँ बाप के ऊपर, जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया था, कुछ भी नहीं।
किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो जो मुझसे आप सीखते हैं, समझते हैं, उसको पहले खुद अपने अंदर अच्छे से डालिए और फिर उसको बच्चों की जुबान में उनको भी समझाइए। ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता भी नहीं है, ये द्वापर भी नहीं है, कलयुग है। कलयुग चार पांच दिन पुरानी खबर है। इंग्लैंड में ग्लासगो एक शहर है, उस शहर में एक बाप ने अपनी बेटी से चार बच्चे पैदा कर लिए। बाप ने बेटी से चार बच्चे पैदा कर दिए। जब वो चौथी बार ले जाई गई है तब जाकर के ये राज खुला है, नहीं तो ये कह के कि इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, वो सब बातचीत खुद करता था। ये कलयुग के लक्षण हैं, जहां लड़की सिर्फ एक भोग की वस्तु है, न भाई न बाप न मामा न चाचा न ताया। इतने भयंकर समय में अगर हम अपने आप को ठीक से शिक्षित नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा? अभी मैं कल चंडीगढ़ में थी, वहाँ हमारे एक शिष्य डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उसकी सास वो भी हमारी शिष्य है, तो उनके बारे में कहा कि सिर में दर्द हो रही थी, फोन आया पिछले संडे कि आप लोग जल्दी वापस आ जाना, मुझे बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। और वो चूंकि एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का, बेसिक मैथमेटिक्स का जो वो कोर्स शुरू होना था उसका इंटरव्यू था, तो ये वहाँ से वापिस आ रहे थे, तो बोले रास्ते में मत रुकना, जल्दी आना। पर जब तक वो घर पहुँचे, माँ घर में नहीं है, बाप घर में नहीं, वो कहाँ? बोले अस्पताल। क्या हो गया? जब तक वहाँ पहुँचे तो माँ की याददाश्त जा चुकी है, शरीर तड़प रहा है, डॉक्टर कोई न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं वहाँ पर, और जितने पेन के इंजेक्शन लगा सकते हैं उन्होंने सब लगा दिए हुए थे, लेकिन उनकी दर्द नहीं जा रही थी, और वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, और फिर उसकी याददाश्त चली गई और फिर शरीर झटके मारने लग गया, हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए। 9:30 बजे डॉक्टर आया, न्यूरोलॉजिस्ट, तो सेंट्रल लाइन लगा के उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्हें मेंजेनाइटिस हो गया, वेरी हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो जो दिमाग में हुआ। इस स्त्री का पुत्र मुझे कहता है कि हम पिछले 12 साल से अधिक समय से आपको सुनते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसी हालात कभी देखी नहीं थी। अपनी माँ को हाथ पैर बंधे हुए आईसीयू में पड़े देखना, तड़प रही है और पहचान नहीं रही है, बच्चों को नहीं, पति को नहीं, होश नहीं, सब भूल गई, और बोले उन्होंने तो हमें भेज दिया कि अभी तो कुछ सुबह डॉक्टर आएगा, वो चेक करेगा, इन द मीन टाइम MRI CT वगैरह सब होते रहेंगे, तो फैमिली को उन्होंने वापस कर दिया। बोले घर आकर के मैंने आसन बिछाया और सुमिरन करने लग गया, मन तकलीफ में था तो सुमिरन करने लग, कहते सुमिरन करते करते मन ऐसा ठहर गया जैसा 12 साल में कभी नहीं ठहरा। शरीर और शरीर की ये जिंदगी, ये कितनी बड़ी कृपा है कि ये चल रहा है, और हम इसको रुपया पैसा दौड़ भाग इज्जत मान ये सब चीजों में इसको
लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं बिना इस बात का ध्यान किए कि किसी भी समय सांस की डोरी टूट भी सकती है और शरीर इतनी भयंकर हालत में जा सकता है। अब करोड़ों रुपया है उनके पास, पर किस काम, किस काम आ रहा है? 14 घंटे दर्द में तड़पते हुए, बेहोशी में पड़े हुए इस मरीज को जाके मदद मिली और फिर जब ट्रीटमेंट चला है तो कल शाम को चंडीगढ़ में सबको मिलने का रखा था, तब मालूम हुआ कि उसको ठीक से होश भी आ गया है। और उसे ये जब पता चला कि भी मैं घर में भी आ रही हूँ, तो वो कह रही थी कि मेरे को छुट्टी दिला दो, मैं घर चली जाऊँ, घर में आ रहे हैं गुरु और मैं यहाँ पे हूँ, तो उसको यही तकलीफ लग रही थी। कहने का भाव यह है कि हम जो सोचते हैं कि कोई नहीं बाद में कर लेंगे, अभी हम बिजी हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, वजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ये ही लाओ, वजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ए ही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा माने बुढ़ापा, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक कोई रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, माने जब तक शरीर मर नहीं गया, बस उसी के बीच तेरे हाथ में टाइम है, उस वक्त का लाभ उठा लो। बीमार हो गए भजन नहीं होगा, बुढ़े हो गए भजन नहीं होगा, मर गए तो भजन नहीं होगा। और इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि सब बूढ़े होएंगे भी। पिछले दिनों में कोई मिलने वाले आए प्रेमी, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे सब ठीक हैं, पुत्र कैसा है? कहते जी वो तो मर गया। कैसे? एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो, मोटरबाइक पे था, हेलमेट पहना नहीं था, एक्सीडेंट हो। ना माँ कुछ कर सकी, ना बाप कुछ कर सका, जब जाने का समय आया तो 15 साल का जवान लड़का भी चला जाता है। तो किसने कहा सब बुढ़े भी होंगे? यहाँ लोग मेहनत करते रहते हैं, रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, जब हम 60 के ऊपर के हो जाएंगे ना तब हम ये करेंगे। पल का पता नहीं कितना लंबा सोचते हैं। ये विचार बराबर तुम्हारे मन में अगर नहीं चलता तो आप गुनाहगार हो ईश्वर के। एक एक सांस परमात्मा की कृपा है, एक एक सांस उसकी बख्शिश है, तो क्या एक एक सांस में सिमरन नहीं होना चाहिए? कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितना घूमेंगे, कितना भटकेंगे भाई,
आज के समय में घर का परिवार का गुजारा चलाने के लिए काम करना पड़ता है, तो 6-8 घंटे जो आपको कारोबार या नौकरी में जो मेहनत करनी पड़ती है, वही समय कितना निकल जाता है और पीछे कितना बचता है हमारे पास। उस थोड़े से समय का सदुपयोग क्या हमें नहीं करना चाहिए? अभी ऋषिकेश में अमृत बिंदु उपनिषद मैंने कराया था, उसके कुछ श्लोक बचे थे, वो वापस आकर के आश्रम में मैंने कराया। पर मैं बड़ी हैरान थी, ऋषिकेश शिविर में करीब 2600 लोग थे और अमृत बिंदु उपनिषद के बचे हुए 12 श्लोक जब कराने की बारी आई, तब मेरे को वहाँ पर मुश्किल से 450 लोग दिखे। और ये सिर्फ 3 दिन के लिए, सबको 2.5 दिन बेसिकली के लिए कहा था कि इतने ही समय लगेगा, तो 3 दिन का प्रोग्राम रखा, एक दिन आना एक दिन जाना समझ लो। तो मैं सोच में पड़ गई, यहाँ हम अमृत की बात कर रहे हैं और यहां लोगों को अमृत चाहिए ही नहीं क्या? मैं समझती हूं बच्चे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सब है, इसीलिए तो मैंने छुट्टियों के दिन लिए कि किसी को कष्ट नहीं हो। मैं चाहती हूं सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, किसी का स्कूल मिस नहीं हो, कॉलेज मिस नहीं हो, पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए। ये सब विचार करके ही टाइम रखा, पर फिर भी मैं देख रही थी। पर चक्कर ये है, इसीलिए मेरे को कई बार कहना पड़ता है कि ऋषिकेश तो सब लोग लगता है घूमने आते हैं कि गंगा जी घूम लो, नीलकंठ घूम लो, फोटो खींचा लो, फेसबुक में डाल लो, बस एक हैप्पी टाइम, विंटर वेकेशन। इट इज नॉट कि वो कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, बल्कि मैं तो अपने सारे सन्यासी शिष्यों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे इसी विषय पर, तो मैंने कहा कि इस साल 2020 में जो ऋषिकेश का शिविर होगा, उस शिविर में कुछ इतनी कठोर शर्तें हम रखने वाले हैं ताकि सिर्फ वही आए जो उन शर्तों के अनुसार चलेंगे, जो वो शर्तें पूरी ना कर सकते होंगे हम उनको वहाँ आने की इजाज़त भी नहीं देंगे। भीड़ का क्या फायदा? पागलों की भीड़ें हैं, गाने वाला आए तो वो भीड़ें हैं, कोई सिनेमा हो तो उसकी भीड़ें हैं, भीड़ से क्या लेना देना? खोजी कौन, ग्राहक कौन, इस सत पदार्थ का चाहवान कौन? कौन? लंबे समय से मैं यही कोशिश कर रही थी कि सत्संग सुनते सुनते आपका वैराग्य अच्छा हो जाए, प्रेमा भक्ति आ जाए, सुमिरन आ जाए, ध्यान करने लग जाओ, ताकि तुमको हम ब्रह्म विद्या सुना सके। मन का अज्ञान ब्रह्म विद्या से जाएगा ना, वो खाली सिमरन से जाएगा, ना वो खाली जप से जाएगा, ना वो खाली सेवा करने से जाएगा। ब्रह्म विद्या सुने बगैर मन का अज्ञान दूर नहीं होगा और अज्ञान जाए बगैर मन के बंधन नहीं कटेंगे, और उसके बगैर ये जन्म मरण का जो चक्कर पड़ा है पाप पुण्य का, ये भी नहीं जाएगा। अब इतने टाइम से बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अब ये सोच के कि थोड़ा मुश्किल होता है, मन की एकाग्रता और वैराग्य ना हो तो वेदांत समझना मुश्किल काम है, ब्रह्म विद्या समझनी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसे ओपन किया ताकि उसका लाभ से कोई वंचित ना रह जाए।
कबीर जी कहते हैं, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, ज्ञान की आंधी मेरे गुरु ने चलाई है और सारे भ्रम की टांडी उसने तोड़ दी। भ्रम भ्रांति अध्यास की निवृत्ति कर दी है, कबीर जी बोलते हैं। ऐसा ज्ञान बिचारे कोई जिसते मुक्त परम गत होई, ऐसे ज्ञान की विचार करो जिसे सुन करके हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी परम गति हो जाए। ए गुरुवर, हमें ऐसा ज्ञान सुनाइए। सो जीवन का आधार, और जीवन में अगर कुछ सत संतोष सुकून, सच्चा सुकून चाहिए तो पास मेरे बैठ करके सुनना ही होगा। तो जब तलक घर में रहो, दो घंटा अभ्यास का किया करो, भले घंटा सवा सुबह करो, घंटा सवा शाम को करो, लेकिन दोनों समय करो। कह रात सोने से पहले तुम सुमिरन करो और हो यूं के आखिरी चीज तुम्हारे मन में सुमिरन होगी, और जब तुम सोओगे तो हो सकता है कि रात भर सपने में भी तुम सुमिरन ही करते रहोगे। वाणी में आया ना, सपने हूं बरड़ाए के जय मुख निक से राम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को छाम। कोई रात सोते सोते नींद में पड़ा पड़ा राम बड़बड़ा जाए, तो मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के उसका जूता बना के उसके पांव में पहना दूं। कैसा तपस्वी है ये, सोते में भी राम, यहां दिन में नहीं निकलता, ये सोते में राम बोल रहा है। ये सोते में कैसे राम बोल सकता है? बिल्कुल एक सच्ची घटना तुम्हें सुनाती हूं। हमारे एक जानने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। पहले तुम्हें मालूम ना, गर्मियों में लोग छत पे सोते थे, सोए हो कभी? बड़ा आनंद रहता, छत पे पूरा परिवार खानदान अपनी चारपाइयां लगा के लाइन में ऐसे लग जाती थी। बीच में कभी कभी बारिश आ जाए ना, तो सब चारपाई बिस्तरे उठा के फिर भागते थे। फिर जब तक भागते थे तो कई बार रुक जाती थी, फिर वापस अपनी अपनी चारपाई बिछा लेते थे। तो मैं भी छत पे ही सो रही थी, मेरे साथ ऐसे पूरी लाइन में सब लोग थे सोए हुए। तो उनका जो छोटा बेटा है, जिनकी ट्रांसपोर्ट है ना, वो शौकिया ना बस कंडक्टरों की, टिकट काट रहे कैसी काटते हैं, रूट में गई तो उसमें ऐसे ही शौकिया शौकिया चला जाता था। तो वो सो रहा था, छोटा था उम्र में, तो पास में ऐसे, तो सडनली ना ऐसे अचानक से मेरे आवाज, अजीब सी आवाज आ रही थी। तो उनके कंपनी में एक कंडक्टर था जिसका नाम था प्रदीप। तो वो सोते सोते करे, प्रदीप प्रदीप, टिकटा काट टिकटा काट टिकटा काट। तो मैं उठ के बैठ के, क्या बोल रहा है ये? तो पास जाकर के सुना भी, क्या बोल रहा है? तो प्रदीप टिकटा काट, प्रदीप टिकटा काट। और वो हाथ से ना ऐसे, वो कंडक्टर के रहते ना वो
एक औजार सा होता है ना जिसे वो पंच करते हैं, तो वो साथ में उसका यूं हाथ चल रहा है और बोले टिकटा काट टिकट काट टिकट काट, क्योंकि वो टिकट काटते नहीं, पैसे जेब में डाल देते हैं ना, तो वो सपने में टिकट कटवा रहा है। तो सुबह हुई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा रात क्या बोल रहा था, बोले नहीं कुछ भी नहीं, नहीं नहीं ये प्रदीप कौन है, तो उस बच्चे के पिताजी बोले, बोले वो तो हमारा कंडक्टर है, बोले वो इसका नाम आप क्यों पूछ रहे हो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका लड़का रात भर टिकटें कटवा रहा था उससे। ये प्रभाव है ना, दिन में जो किया वही रात में कर रहा है, तो जो दिन में सुमिरन करे वो रात सोते में भी सुमिरन करे समझ लगती है, तो बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है ये। इसलिए एक नियम आप ले लीजिए, दिन में भजन करें तो बहुत अच्छी बात, ना भी कर पाए तो रात सोने से पहले अपने बिस्तर में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, श्वास गहरा करिए और फिर जिस नाम में आपकी प्रीति हो उस नाम का जप जरूर किया करें। आइए इसलिए कह रही हूं कि जितना आपका नाम जप सुमिरन अच्छा होता चला जाएगा उतना आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा, और उतना ही जब आप गहरे ज्ञान के सूत्रों को सुनोगे वो समझ आएंगे आपको। जिंदगी के इस तमाशे में जो उस सच को पहचान जाता है वो बाजी जीत जाता है, और जो इस सच को नहीं पहचानता और माया को सच समझ के जगत को सच समझ के इसमें फंस जाता है वो जिंदगी की बाजी को हार जाता है। हारे तो शर्मसारी है, जीते तो फिर सिकंदर हो तुम। सो बी योर बेस्ट, डोंट टेक लाइफ सो लाइटली। जिंदगी को बहुत बहुत तवज्जो दीजिए, अटेंशन दीजिए, जिंदगी बहुत कीमती है, और जिसने इस जिंदगी के अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी उसने पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया। तो जिसने खो दिता वही खोता, समझ रहे हो। अभी हम महाराष्ट्र में थे तो मैं वहां बोल रही थी सबको, मैं भाई आज पंजाबी का एक शब्द तुमको सिखाते हैं, सब बोले हाँ जी सिखाइए, वो खोता, सबसे 10 बार बुलवाया। मैं कहा इसका मतलब हिंदी में करें तो होगा गधा, अंग्रेजी में हो गया डंकी, पर खोते शब्द में जो महिमा है वो गधे में नहीं है। महिमा क्यों? खो दित्ता, जिसने जिंदगी का अनमोल मौका खो दित्ता वो खोता। तो है तो इंसान पर बन जाए खोता, तो इसमें कौन सी अच्छी बात। अजब बात, देखो आप साक्षात परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। सुनो सुनो, दिल ही में था दिल रुबा मुझे मालूम न था, समझ लगी, बोलो रिपीट करो। दिल ही में था दिल रुबा मुझे मालूम न था, मेरी खुदी में था खुदा मुझे मालूम न था,
जिसने किया मुझे जुदा मार उस मन को। लुत्फ उठा कि तू ही है खुद खुदा पर मुझे मालूम न था। जिस अज्ञान की वजह से हम अपने परमात्म स्वरूप को भूल के शुद्ध बुद्ध स्वरूप को भूल के हम बन बैठे हैं ये हड्डी मांस का शरीर जिसे मैं करते रहते, ये तो हम है ही नहीं, ये तो हम है ही नहीं। ता अपनी असलियत को पहचानिए। अपनी असलियत समझ लग गई कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ता आत्मस्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, तो संसार में कभी भीख का कटोरा लेके सुख नहीं मांगते फिरोगे। बेटे तू सुख दे दे, बहू तू सुख दे दे, पैसा तू सुख दे दे, मकान तू सुख दे दे। क्यों? आनंद स्वरूप तो मैं खुद हूं, मैं क्यों मांगू किसी से सुख। तो इस अज्ञान के पर्दे को उठाना जरूरी है। आपने सुना ना, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। कौन निहाल होगा? जो ये जाने कि सत श्री अकाल स्वरूप तुम्हारा है। श्री माने चैतन्य, अकाल माने आनंद। सत श्री अकाल मतलब सत चित आनंद। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं जप साहिब में, सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। जो सच्चिदानंद है वो सर्व में है, तो जो सर्व में है वो मुझ में नहीं है। जो सर्व में है वो मुझ में नहीं है। तो जो ये बात समझ गया, जो बोले सो निहाल, फिर कहा सत श्री अकाल। बिना समझे बूझे जिन्हें बोलते तो सारे ही हैं, पंजाब में जितने पंजाबी हैं सारे ही बोलते सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, मतलब किसी को भी नहीं पता। सत श्री अकाल तुम्हारा स्वरूप है, या मैं यूं कहूं परमात्मा का स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, अपने मन के अज्ञान के पर्दे को उठाना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। बाकी सब चीज़ें बाद में, किट्टी पार्टी बाद में करना, पैसे बैंकों में बाद में जोड़ना, पहले ये काम करो। जब ये काम नहीं किया तो फिर तो पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया, फिर तो जन्म गवाने वाली बात। एक महात्मा के पास कोई आए, वो कहते वो जो आते थे ना निरंजन सिंह, वो पूरे हो गए। वो कहते दुर्लानत, कोई पूरा नहीं होया, अधूरा जीऊ या अधूरा मोया, पूरा किथे होया? जब जिंदा था तो अधूरा था। कामी क्रोधी अधूरा है, लोभ करने वाला अधूरा है। बोले जी रहा था तो अधूरा था, मरा है तो मन में इच्छा वासना लेके मरा है, कैसे पूरा हुआ? मत कहो वो पूरा है। बोले लानत है उसके मरने पर, जैसे उसकी जिंदगी पर थी। महात्मा लोगों की बातें थोड़ी अजब तो होती है ना? नहीं, महात्मा लोगों की बातें कई बार समझ भी नहीं आती कि क्या बोल जाते हैं। सब सपना है। ये जो तुम देख रहे हो अभी खुली आंखों से, ये जगत नहीं, ये जगत का सपना है। इस सपने को सपना समझो और अपने निज स्वरूप में जागो।
एक आदमी सोया तो सपना आया कि सपने में वो सामान बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है. तो कह रहे ले लो कपड़ा, ले लो कपड़ा, ले लो. वो कह रहा है कि हम तो 10 रुपये मीटर लेंगे. वो कहते लो जी 100 रुपये मीटर का कपड़ा मैं 10 में कैसे दे दूं. तो जैसे होता ना भाव तोल करते हैं तो लोग लगे झगड़ रहे हैं, तो 10 का नहीं देना तो 100 महंगा है, तो चल 80 में दे दे. बोले नहीं मैं तो चलो 20 कर देता हूँ. लगे पड़े में इतने में आँख खुल गई, वापस आँख बंद करके लेट गया कि तो कोई नहीं 10 में ही दे दे, 10 में ही दे दे. पर सपने में जो देख रहे थे, तुम सपने में राजा हो जाओ तो सुबह जब आंख खुलेगी तो कोई 2-4 माला बची रहेंगी गले में कि सपने की दुनिया सपने के साथ खत्म. तो ये संसार एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है. इसलिए कोई गाली निकाल जाए तो भीतर याद कर लेना सपना ही तो है, मेरा ही सपना. तुम्हारे सपने में जो भूत प्रेत चुड़ैल कोई बने तो वो भी तुम थे, और कोई संत महात्मा पीर फकीर दिख गया तो वो भी तुम थे. सपने में सब कुछ कौन बना? तुम्हारा मन ही तो सब कुछ बना. तो जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार, ये भी सपना. जैसे सपना खत्म हो जाने के बाद हम बीत चुकी चीजों को याद नहीं करते जो देखा है, कहते हैं सपना था छोड़ो उसको. बस ऐसे ही इस दुनिया को भी जान दे. वो पंजाबी ना एक आदमी अपना ट्रक पीछे करा रहा था, तो मैं सुना वो उसका जो क्लीनर था ना वो कह रहा है ट्रक को जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे. मैं कहा कोई सही ज्ञान की बात बोल रहा है? माया जान दे, क्रोध जान दे, लोभ जान दे, लड़ाइयां जान दे, मेरी तेरी जान दे जान दे, सब जान दे, खाली होके बैठ. अब आज के बाद किसी को भी ऐसे सुना ना तुमने जान दे जान दे, हम याद आएंगे. पकड़ के मत रखो, खुला मन खुला दिल रखो. सबसे मोहब्बत सबसे प्यार देना सीखो, लेना नहीं. आखिरी बात, बेईमानी का पैसा अपने घर में कभी आने मत देना. तुम्हारा बेटा भाई या पति या लड़का ज्यादा पैसा घर में लाने लग जाए तो सवाल पूछ लेना उससे कि बेटे कहां से आया है ये, क्योंकि जो बेईमानी का पैसा तुमने अपने ही बच्चों को खिलाया तो याद रखना तुम उन्हें पैसा नहीं जहर खिला रहे हो. तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन हो. फिर बेईमानी का पैसा घर नहीं लाना, हक का पैसा घर में लाना. थोड़ा खा लेना पर बेईमानी का पैसा घर नहीं लाना. मलिक भागो नहीं बनना, भाई लालो बनना. समझ रहे हो? और जो बेईमानियां और रिश्वत खोरियां करके घर में पैसे लाते हैं, मैंने देखा उनके किए पाप उनके बच्चों को भुगतने पड़ते हैं. बड़ी बात नहीं, मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा. पता था बेईमानी कर रहा है, सुन के भी नहीं छोड़ता है,
बड़े पैसे बना लिए, घर बड़ा अच्छा कर लिया, गाड़ी भी ले ली, शादी भी हो गई, फिर उसकी औलाद भी हो गई, और 4 साल बाद फिर उसी औलाद को लेके अस्पतालों के चक्कर लगाते मैंने देखा उसको, क्योंकि बच्चे को ऐसा रोग हुआ जिसका कोई इलाज नहीं था। तब मैंने ये बात कही, मैं ये इसका किया दंड इसके बच्चे को नहीं, मिल अभी भी इसी को रहा। उस बच्चे का भी प्रारब्ध होगा कि ऐसा निकम्मा पापी बाप मिला उसको, वो भी भुगत रहा है, बाप भी भुगत रहा है, बेटा भी भुगत रहा है। बुरी कमाई का पैसा घर मत लाने देना। बिदर बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है। श्री कृष्ण बिदर का साग खाना पसंद करते हैं, दुर्योधन की खीर पूड़ी पसंद नहीं करते हैं। सो कुछ चीजों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। कभी कभी क्या है, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी सुन लेते हैं बट प्रैक्टिकल में बिल्कुल फेल हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों का आप ख्याल रखिएगा, सब चीजों का। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो नेक कमाई के साथ जीवन को जीते हैं, मैंने उनकी बहुत उन्नति होते हुए देखा है, बहुत। आखिरी की एग्जाम्पल देती हूं, जलंधर में एक परिवार था, वो सत्संग में आते थे, उनकी 2 बेटियां। तब मैंने ये बात कही थी कि बच्ची की शादी जब तक वो पैर पे खड़ी ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए, लड़की को पैरों पे खड़ा होना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ पैसे कमाने की भी उसको अकल होनी चाहिए। उसके 2 बेटियां ही थी, पुत्र नहीं था कोई। दोनों लड़कियों को उन्होंने जुडिशरी की तैयारी करवाई, दोनों लड़कियों ने जुडिशरी का एग्जाम पास किया। दोनों लड़कियां, एक 23 साल की थी और एक दूसरी तो उससे भी छोटी, 21 साल की उम्र में उनको मजिस्ट्रेट का जॉब मिला। और अभी 6 महीने पहले उनमें से एक CGM हो गई है। मैं गई उसके घर, उसने कहा कि मैं जब से इस पोस्ट पे आई हूँ मेरा बड़ा मन है कि आप एक बार घर आओ। मैं ठीक है आती हूँ, क्योंकि इस बीच उनके माँ की डेथ हो गई। तो बोली मेरी माँ जिंदा होती तो खुश होती, अब मैं अपनी खुशी किससे बांटूं। संजोग से मुझे उस शहर जाना ही था तो उसके घर गई मैं, तो मुझे याद आ रहा था कि मात्र कोई 13-14 साल पहले की ही बात है, जब ये लड़कियां छोटी थीं, स्कूल में थीं और माँ सत्संग में ला रही थी, और माँ और बाप दोनों ने मिलकर के बेटियों को इतना अच्छा उन्होंने तैयार कराया। आज वो CGM है, दूसरी जो है वो भी सीनियर जज हो चुकी है। कोई बेईमानी नहीं करी। वो कह रही कोर्ट में केसेस लगते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं, धमकियां भी आती हैं, पर एक ही चीज चित्त में रहती है ना, कि हम अपने कर्म को अच्छे से करेंगे, ना किसी के डराने से डरते हैं, ना किसी के लालच आने में देने से हम लालच में आते हैं, अपना काम कर रहे हैं और रोज पर रोज उनकी उन्नति होती जा रही है। इसलिए नेकी हमेशा फल देती है। सारा संसार बुरा हो जाए तुम अपनी नेकी मत छोड़ना, खूब श्रवण करो, खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो, खूब मुस्कुराते रहो, सड़ी शक्ल कभी मत बनाओ। सबको ऐसा दिखना चाहिए कि किसी आनंद मूर्ति को मिल के आए। नहीं, ऐसा लगना चाहिए ना आपकी शक्ल। तो नाचते गाते हुए जिंदगी को जियो, खूब सुमिरन करो। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद है।